उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रचार के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शुक्रवार को मेरठ पहुंचे। यहां एक चुनावी रैली में उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर जमकर हमला बोला। हालांकि उन्होंने अपनी प्रस्तावित पदयात्रा कैंसिल कर दी है। सपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मेरठ में व्यापारी अभिषेक की हत्या और बिगड़ते कानून व्यवस्था के प्रति विरोध जताने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया है। शाह ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। वो बोले कि कांग्रेस और एसपी का गठबंधन प्रदेश को लूटने के लिए किया गया है। एक ने अब तक प्रदेश को लूटा और दूसरे ने देश को। दोनों शहजादों ने यूपी को नुकसान पहुंचाया। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने महिला सुरक्षा को लेकर भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा देने की मांग की। अमित शाह ने कहा कि हर कॉलेज में एंटी रोमियो दस्ता बनाया जाएगा जिससे हमारी बेटियां सुरक्षित रह सके। शाह ने प्रदेश में अपराध के बढ़ते ग्राफ पर चिंता जताते हुए मथुरा कांड, हत्या और रेप के मामलों पर बात की। वह जमीन कब्जाने के विषय पर भी बोले। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के गुंडों ने यूपी की जमीन पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सीएम अखिलेश यादव और राहुल गांधी से भी जवाब मांगा। तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए अमित शाह ने अखिलेश सरकार पर जमकर हमला बोला। अमित शाह की मेरठ के अलावा पिलखुआ, धौलाना, हापुड़, खुर्जा और बुलंदशहर में चुनावी सभाएं होनी है। देखते रहिए डीबी लाइव।